हाँ जी नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है संस्कार अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और जहाँ पे मैं बात करने वाला साथी, हिस्ट्री का पेपर आपका किस प्रकार से आने वाला है, इतिहास का पूरा पेपर आपको बताने वाले हैं इस क्लास के अंदर। बिल्कुल, इस क्लास को एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, ताकि अपन जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ पाए। हाँ जी, एक बार इस क्लास को स्टार्ट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ओके, हाँ जी, हाँ साथी, एक बार इस क्लास को आप शेयर करिएगा, फिर आगे बातचीत करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे बात करता हूँ साथियों, इतिहास का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, तो एक बार सभी बच्चे इसको शेयर करिएगा क्लास को ना, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी इस क्लास के अंदर जुड़ पाए। हाँ जी, मैं भी एक बार शेयर करता हूँ, आप भी एक बार शेयर करिएगा, देखते हैं क्लास के अंदर कौन कौन आए। अपने अपने नाम कमेंट में लिखिएगा, एक बार अपने अपने नाम कमेंट में लिखिएगा। सरिता जुड़ चुकी है हमारे साथ, श्रवण ने जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हाँ जी, और यहाँ पे आरस आरस से जुड़ चुके हैं, और लक्ष्मी शैनी जुड़ चुकी है। हेलो सर, बिल्कुल स्वागत है आपका लक्ष्मी जी की। हाँ जी, एक बार दो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी एक बार शेयर करिएगा। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है। बुलबुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिल्कुल। हाँ जी, अभी तक ये 10 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार, और अपने नाम कमेंट में लिखिएगा, ताकि मेरे को पता चले कौन कौन विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हैं। उर्मिला जुड़ चुकी है हमारे साथ, और कुणाल सिंह जुड़ चुके हैं, हाय सर, बिल्कुल। पंकज सोनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सोनी साहब जुड़ चुके हैं। तो एक बार आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि एक बार इसको शेयर करिए क्लास को। हाँ जी, अभी बातचीत करते साथियों इतिहास के पेपर के बारे में। हाँ जी, माँ शारदा फिल्म स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, आरएस से, जेटगढ़ से जुड़ चुके हैं, कुणाल सिंह जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो एक बार मैं बात करता हूँ इतिहास का पेपर आपका किस प्रकार से आने वाला, किसके अंदर आने वाला, उसी के बारे में चर्चा करता हूँ, है ना। अब कमेंट अपन बाद में पढ़ेंगे, अब बात करता हूँ इतिहास के पेपर के बारे में। इतिहास के पेपर के बारे में बातचीत करता हूँ, ओके। हाँ जी, थैंक यू सर सो मच। सर आपने जो पेपर बताया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम पेपर में, थैंक यू सो मच। किस सब्जेक्ट का पेपर बताया लक्ष्मी, बताइएगा एक बार, किस सब्जेक्ट का मैंने पेपर आपको बताया था ये बता दीजिएगा साथ साथ में, क्योंकि मैंने बहुत सारे विषय का पेपर बता चुका हूँ अभी तक, ओपन बोर्ड के जितने पेपर हुए सभी विषयों के पेपर मैंने बता दिए हैं। ठीक उसी प्रकार से आप मेरे को बता दीजिएगा किस विषय का ये पेपर आपका पढ़ा था। श्रवण जुड़े हैं हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, बिल्कुल, बात करें यहाँ पे पेपर की स्टार्टिंग करते हैं, पेपर आपका किस प्रकार से किस कदर होने वाला है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, मैं बातचीत करूंगा पेपर के बारे में। अगर जो बच्चा इस क्लास के अंदर पूरा नहीं देखेगा वो निश्चित फेल हो सकता है भाई, जो बच्चा इस क्लास को पूरा नहीं देखा वो निश्चित फेल होगा, क्योंकि इतिहास के पेपर के अंदर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और पास होने के लिए आपको 33 नंबर का पढ़ना पड़ता है हिंदी और ज्योग्राफी के, बिल्कुल शानदार। हाँ जी, ज्योग्राफी का हमने पहले बता दिया था, उसी में से क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं, उसी में से लगे थे। बात करता हूँ इतिहास का पेपर आपको बता देता हूँ मैं, इतिहास का पेपर आपको बता देता हूँ, उसी में सारे क्वेश्चन आपके पढ़ने वाले हैं। सर मनोविज्ञान ये पेपर सॉल्व करा देना, हम पेपर सॉल्व नहीं कराते, डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं पेपर के अंदर छिपने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आप सभी को बता दूं अभी। हाँ जी, हमारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत बात नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, प्रैक्टिकल मिल जाएगा आपका। हाँ जी, बात करता हूँ साथी इतिहास के पेपर के बारे में डायरेक्ट। हाँ जी, बात करूँ यहाँ पे, पहली बात है इतिहास का पेपर आपका ये रहा, कोड आप देख सकते हो साथी आपके सामने प्रस्तुत है, 315 कोड का पेपर बता रहा हूँ, जो आपके रियल है 100% एग्जाम में इन्हीं में से आपके पर्सन देखने को मिलेंगे। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं, 100 में से 100 भी आ सकते हैं भाई, बिल्कुल। आंसर भी बताते चलते हैं, हम आंसर बताते हैं विनीता जी। हाँ जी, नरेंद्र कुमार मीणा जी सर जुड़े हमारे साथ, इनका भी स्वागत करते हैं इस क्लास के अंदर।
हाँ जी बात करें यहाँ पे एक 12वीं क्लास के साथियों, किसकी क्लास है? 12वीं क्लास के साथियों, 12वीं ओपन बोर्ड की क्लास के साथियों, ओपन बोर्ड की परीक्षा हो रही है अभी तो उसकी भी की क्लास के साथियों। और हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर डिटेल छपने वाले हैं, उसी के अंदर बात करूँ साथियों। इस क्लास के अंदर आपको चलते जाना है और लाइव आपको याद कराते जाता हूँ मैं। इतिहास का पेपर है और 100% साथियों मैं गारंटी देता हूँ आप दावे के साथ पास हो सकते हो इस क्लास के अंदर। और यहाँ पे पेपर आपका 13 तारीख को आपका होने वाला है ना। अब बात कर सकती है पेपर आपका 13 तारीख होने वाला, उसी के अंदर बातचीत करता हूँ साथियों में। थोड़े ही प्रश्न पढ़ने हैं लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं तो एग्जाम के अंदर आ जाएगा। ग्रुप के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा भैया। अशोक जुड़ चुके हैं सर, मैं अभी भी जुड़ा हूँ बिल्कुल। हाँ अभी जुड़े हैं उन विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि ग्रुप के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा और उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देता हूँ, ताकि कुछ विद्यार्थी हैं हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं है ना, मेरे को कॉल करके परेशान करते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ उससे। परेशान तो क्या करते हैं भला, लेकिन कॉल करते हैं जिससे टाइम नहीं मिलता है तो उठा नहीं पाता हूँ कॉल उनके, तो वो परेशान होते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल इंग्लिश का पेपर बताया था वही अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपने इंग्लिश का पेपर देखा होगा तो वही अच्छा होगा भाई। जो पेपर इस क्लास के अंदर आप मैं बताता हूँ वो सभी के अच्छे ही होते हैं भाई। सुरेंद्र मेघवाल जुड़े हमारे साथ, स्वागत है सुरेंद्र आपका भी। जो पेपर इस क्लास के अंदर आपको बताते हैं वही पेपर आपके बहुत ही शानदार व अद्भुत व अच्छे होते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और हाँ बात करिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आता है साथियों, पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ है और उस प्रश्न में सीधा सीधी बात लिखी साथियों, 4 वेदों के नाम लिखिए। कितने वेदों के नाम लिखे हैं साथियों? 4 वेदों के नाम लिखने हैं साथियों, ग्रुप में मिल जाएगा भाई। 4 वेदों के नाम लिखने हैं, पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देखो भाई, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 वेदों के आपको नाम लिखने साथियों, 4 वेदों के नाम लिखने हैं। पहला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन आपका, पहला ये रहा 4 वेदों के नाम लिखने हैं ठीक है। और इसका उत्तर क्या होगा साथियों? ऋग्वेद, साम वेद और यजुर्वेद, अर्थवेद ठीक है। वेद 4 होते हैं, कितने होते साथियों? वेद आपके कितने होते हैं साथियों? गोपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, 4 होते हैं। और अगर किसी समझ में नहीं आता तो मेरे को पूछ सकता है और कमेंट करते रहेगा ताकि आपको बता दूं, ओके लिखते रहेगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है। वेद होते साथियों 4। प्रश्न ये भी बनता साथियों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेदों की संख्या कितनी है साथियों? वेदों की संख्या कितनी है कमेंट करें एक बार, वेदों की संख्या कितनी है, कितनी है? हाँ एक बार कमेंट लिख में लिखिएगा वेदों की संख्या कितनी है। प्रश्न ये भी बनता साथियों, प्रश्न आपका ये भी बनता है वेदों की संख्या कितनी है। हाँ जी वेदों की संख्या कितनी है कमेंट करिए एक बार। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि मेरा साथ जुड़े हैं नरेंद्र कुमार जी जुड़ गए, बिल्कुल शानदार। हाँ जी वेदों की संख्या कितनी है एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, हाँ का बता दीजिएगा कि वेदों की संख्या सर जी इतनी होती है, एक बार कमेंट में लिखे सभी वेदों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। और इसका उत्तर आपको मिल ही गया है अभी बिल्कुल। हाँ जी लक्ष्मी सेन ने बता दिया 4, श्रवण ने बता दिया साथियों 4 और कुंदन सिंह ने बता दिया साथियों, कुणाल सिंह ने 4 बिल्कुल शानदार, पंकज सेन ने बता दिया साथियों 4। तो यहाँ पे एक बार आप बता दूं साथियों उत्तर आपका कितना होगा साथियों, वेदों की संख्या कितनी? 4 है, 4 होते साथियों। कितने होते वेद आपके? 4 होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले परीक्षा में ये भी आ जाए कि कौन कौन से वेद होते हैं वो भी नाम आपको लिखने पड़ेंगे। बता दूं साथियों पहला वेद आपका ऋग्वेद होगा, क्या होगा साथियों? ऋग्वेद होगा। दूसरा आपका साम वेद होगा और तीसरा यजुर्वेद होगा, चौथा आपका अर्थवेद होगा भाई। 4 वेद होते साथियों, पहला ऋग, इतना याद रखो वेद नाम तो सभी में लिखेगा, ये वेद नाम है ना ये सभी के अंदर लगेगा भाई, लास्ट लास्ट के अंदर वेद और वेद और यहाँ पे वेद है ना। हाँ तो बात करें पहला हो गया ऋग, दूसरा साम, तीसरा यजुर, चौथा अर्थवेद है ना। 4 वेद होते साथियों, ऋग्वेद, साम वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, बिल्कुल बिल्कुल ये सब आएगा। हाँ जी एक बार मैं बता दीजिएगा कि ओके है ना ये प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद का पूछे तो ऋग्वेद होता है बिल्कुल। हाँ जी सबसे प्राचीन वेद की बात करिए तो ऋग्वेद होता है आपके, सबसे प्राचीन आपका वेद है ये, प्राचीन वेद इसलिए बोलते हैं भाई, प्राचीनतम वेद, प्राचीनतम ये आपका वेद होता है, प्राचीनतम वेद होता है सत्य आपका ऋग्वेद ठीक है। ओके ये क्वेश्चन आपको क्लियर है ना, इतना फिर आगे मैं चलता हूँ। बिल्कुल अशोक ऑफिशियल ने बिल्कुल शानदार कमेंट किया है यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन्होंने 4 जो 4 वेद हैं उनके नाम भी यहाँ पे कमेंट में लिख दिए, बहुत अच्छी बात है।
इससे क्या फर्क पड़ता है साथियों कि इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है ना। आप आके भी गलत नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कमेंट में टाइपिंग कर दी है तो इनके दिमाग में सेट हो गया ये नाम, तो इनका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी ये प्रश्न काफी बार आता है साथियों, काफी बार क्या कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की बहुत संभावना है। इस प्रश्न की चर्चा करूं साथियों, मैं बात करें बताता हूं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से साथियों, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। हाँ जी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेगी। हाँ जी बात होती है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से साथियों। बौद्ध का सबसे पवित्र धर्म मानता त्रिपिटक है ना, पवित्र आपका ग्रंथ है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका त्रिपिटक। ये आपका त्रिपिटक क्या है, ग्रंथ है साथी, क्या है ये आपका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है भाई, बौद्ध धर्म का ग्रंथ होता साथी त्रिपिटक, ग्रंथ होता साथियों। और इसी ग्रंथ के अंदर बात किया साथियों, बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उसके अंदर सूत पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये आपके तीन प्रकार के होते हैं साथी, त्रिपिटक आपके तीन होते हैं। त्रिपिटक नाम लिखो भाई, ये आपका तीन होता है, इसके अंदर क्या होते हैं साथियों, तीन होते हैं, तो तीन पिटक है बिल्कुल, तीन पिटक होते हैं, चांदनी मतलब उसके तीन पिटक होते हैं साथियों, इसे इसलिए त्रिपिटक बोलते हैं, इसी के लिए इसका नाम त्रिपिटक है। त्रि मतलब साथियों, त्रि मतलब होता है साथियों तीन है ना, त्रि मतलब हो गया साथियों तीन, मतलब तीन पिटक है साथियों। पहला हो गया सूत पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक, तीसरा अधिधम पिटक, बिल्कुल हाँ तीन पिटक होते साथियों, पहला सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, तीन पिटक आपको लिखने हैं है ना। बौद्ध धर्म के तीन पिटक कौन कौन से साथियों, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, ये तीन पिटक आपको याद रखने साथियों। सूत पिटक हो गया पहला, तो सूत पिटक हाँ, विनय पिटक और अधिधम पिटक, पिटक नाम आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है, इसी के अंदर, इसी के अंदर सभी के अंदर आएगा भाई। सूत हो गया, विनय हो गया, अधिधम पिटक हो गया, ये आपके तीन पिटक होते हैं बौद्ध धर्म के। आगे बात करूं कालिदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी साथियों, कालिदास की चार रचना यहाँ पे दी गई है, मैं बोलता साथियों कालिदास की चार रचनाएं, उसमें से आपको दो याद करनी, ओनली फॉर दो ही पूछ जाती है एग्जाम के अंदर है ना। मेरे अनुभव से बताऊं कि दो ही आपकी रचना आती है, ध्यान रखिएगा, पहला हो गया मेघदूत, तीसरा आ गया ऋतु संहार और अभिज्ञान अभिज्ञान शुक्तलम और यहाँ पे कुमार संभव, कुमार संभव, यहाँ पे चार यहाँ पे इनकी रचना होती है साथियों। कालिदास ने ये चीज रचनाएं लिखी है, पहला हो गया मेघदूत हो गया और ऋतु संहार हो गया, ऋतु संहार हो गया, आप दो याद कर सकते हो साथियों, कुमार संभव भी आप याद कर सकते हो साथियों, अभिज्ञान संकुतलम भी आप याद कर सकते हो साथियों। तीन चार चार में से आपको दो रचना याद याद करनी है, ओनली फोर, चार में से दो रचना ओनली फोर याद करनी है भाई। हाँ जी तो एक बार क्या करिए आप इसको जो आपके कालिदास की रचनाएं हैं कालिदास जी की, उनमें से किसी एक रचना कमेंट में लिखिएगा, उनमें से किसी एक रचना को कमेंट में लिखिएगा। फिर आगे चलते हैं, एक रचना किसी एक रचना कमेंट में लिखिएगा जो आपकी इच्छा है कि यह रचना बहुत अच्छी लगी मेरे को है ना, इसका नाम बहुत अच्छा है, तो वो एक बार कमेंट में लिखिएगा। फिर आगे चलते साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। कालिदास जी ने हाँ जी बहुत शानदार, हाँ जी अभिज्ञान संकुतलम और चार अपने यहाँ पे पंकज सोनी बता दिए है, मेघदूत बिल्कुल शानदार। हाँ जी RWS क्लासेस इग्नोर, किसी कमेंट को अभी किया ही नहीं है हमने, कौन जुड़े कौन जुड़े से, बहुत ही शानदार। हाँ जी आगे बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप ये कमेंट कर रहे हो इससे अच्छा है कि आप इनकी रचनाएं लिख दो एक बार।
बिल्कुल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ जी, यहाँ पे तीन रत्न आपने, आप दो रत्न आप याद कर सकते हो आसानी से। और फिर आगे चलते हैं साथियों, एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं साथियों। जैसे मैं पूछता हूँ आपको, हाँ मेघदूत किसकी रचना है साथी? मेघदूत आपकी किसकी रचना है? क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा कि मेघदूत किसकी रचना है साथियों। ये आपका पर्सन है, इसका कमेंट करिएगा एक बार कि मेघदूत किसकी रचना है भाई साहब। अभी जैसे मैंने बताया साथियों, मेघदूत किसकी रचना है कमेंट लिखिएगा एक बार। हाँ जी, संजू जुड़े हैं हमारे साथ, संजू भाई। पंकज जुड़े हैं, वायरल थिंग्स आईनेस क्लास 10th की, सही है बिल्कुल, क्लास 10th की भी आ रही है भाई। कुमार संभव इनकी रचना थी। हाँ जी, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताइएगा एक बार। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, एक बार कमेंट करिएगा मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत किसकी रचना है साथियों, कमेंट करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, मेघदूत गणेश जी सर देखो। बिल्कुल आगे बात करें, यहाँ पे क्लास 10th का आ जाएगा भाई। सर्वण ने बता दिया साथियों कालिदास जी की, और गोपाल सिंह ने बता दिया कालिदास की, और महेश जी ने बता दिया कालिदास की। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे जो मेघदूत रचना आपकी है वो किसके साथियों? कालिदास जी की है भाई साहब, कालिदास जी की है। ओके, किसके साथियों? कालिदास जी की रचना है मेघदूत। और नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछता साथियों यहाँ पे, चलो तो इसके अंदर एक ही प्रश्न पूछते हैं भाई, बार बार टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे जो प्रश्न आता है वो आ जाए रहा, प्रश्न सीधा ही आपका 8 नंबर का यहाँ पे बनता है। हाँ जी, 8 नंबर का प्रश्न बनेगा साथियों, इससे कितने नंबर का? 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और इससे छोटे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। हाँ जी, पूजा जुड़ चुकी है हमारे साथ अभी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और मेघदूत कुमार, कुमार संभव, ऋतु ऋतु संहार, कुछ रनय लिखने में अपनी मिस्टेक की अभी। शुभम खान ने फिजिक्स स्टडी की ऑनलाइन क्लास लेके आएंगे, बिल्कुल। लक्ष्मी सैनी, कालिदास जी की, बिल्कुल। हाँ जी, जो बच्चे पीछे लाइव के अंदर बैक चल रहे हैं वो लाइव के अंदर आ जाए, कनेक्ट हो जाए। फिर बात करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आता है भाई, मौर्य उत्तरकालीन याद रखना साथियों, मौर्य उत्तरकालीन, ये नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में 100% आपका ये नाम आएगा। आपको 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके पीछे वाले, हाँ 29 व 30% के अंदर मिल जाएगा कि मौर्य कालीन कला कला एवं स्थापित्य कला पर प्रकाश आपको डालना है साथियों। तो इसका प्रश्न आपका पक्का बनता है साथियों। बात करते हैं अंदर, बात उत्तर क्या है? मौर्य उत्तर काल में कला धार्मिक थी साथी, किस पे थी कला? धर्म के ऊपर थी। कला क्या थी? धार्मिक थी। हाँ जी, इस काल में कला एवं स्थापित्य की प्रमुख की दो प्रमुख विशेषताएं रही है ना। इस जो मौर्य काल, मौर्य उत्तर कालीन था, उसके अंदर दो बातें आपकी विशेष है तो आपको ध्यान रखने योग्य है। पहली होगी स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण है। स्तूप क्या होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। पहली होगी स्तूपों का निर्माण, तो मौर्य उत्तरकालीन थी, उसके अंदर बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ, तो वो आपके इसके अंदर है। और वो किस लिए हुआ है ना, किसने किया, वो भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, और स्तूप कैसे होते दिखने के अंदर, वो भी इसके अंदर बातचीत करेंगे। बात करूं साथियों, मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों का विकास ही इस सिलसिले में हुआ साथियों। तो बात करें मौर्य कालीन के समय दो चीजों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। हाँ जी, बिल्कुल, अब और रिपीट हो सकता है ये आपका। एनओएस का फुल कोर्स करना है तो आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा एक बार। हाँ, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी क्लास एंड होने के बाद में। मौर्य उत्तरकालीन के टाइम में समय आपको स्तूपों का निर्माण हुआ, और यहाँ पे जो मूर्ति कला है उसकी विभिन्न शैलियों का भी विकास हुआ। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखते हैं भाई, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां पहली बार इसी काल में बनाई गई सकती। तो महात्मा बुद्ध जी होते हैं है ना, महात्मा बुद्ध होते हैं, उनकी पहली बार मूर्ति जो मौर्य कालीन के अंदर ही बनी थी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में संपर्क होने से इस काल में गांधार कला शैली का रूप में विकास हो सकती हूँ। गांधार शैली किस समय विकसित हुई साथियों? ये प्रश्न बनता है कि गांधार कला शैली किस समय विकसित हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल, ऑफिशियल अशोक ने बता दिया मेघदूत कालिदास जी रचना है। हाँ जी, गांधार कला शैली किस समय विकसित हुई थी? उत्तर आपका कोई नहीं, इसके अंदर ही उत्तर है आपका मौर्य उत्तरकालीन में। किस समय हुई थी साथियों? मौर्य उत्तरकालीन में गांधार कला शैली का विकसित होना इस समय आपका पाया गया था साथियों। हाँ जी, पंकज भी लगातार कमेंट करिए, सर पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा हाई क्वालिटी में देखने की कोशिश करें भाई।
सेटिंग के अंदर ऑप्शन आता है साथियों, यहाँ पे यूट्यूब के अंदर जाइएगा। हाँ जी, यूट्यूब के अंदर बात करें, उसी के अंदर आप बात करें, ये आपका देखो 480p में भी क्लियर दिख रहा है भाई, है ना। थोड़ी आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना, साफ तो दिखाई दे रहा है, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, एक बार क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, फिर आपको साफ दिखाईगा। मैं देख रहा हूँ आपके सामने इसी फोन के अंदर, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, है ना, क्वालिटी बढ़ाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बिल्कुल साफ दिख रहा है भाई, है ना। आगे बात करते हैं साथियों, बात करते हैं स्तूप क्या होते हैं, स्तूप आपके क्या होते हैं। तो स्तूप के अंदर बात की थी हमने कि मौर्य जो उत्तरकालीन था उसके अंदर बहुत सारे स्तूपों का भी निर्माण हुआ था। स्तूप कैसे होते दिखने के अंदर, है ना, उनके बारे में बातचीत करते हैं। स्तूप का निर्माण क्यों किया गया था मौर्य उत्तरकालीन के अंदर, तो वो अपन इसके अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। स्तूप के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे बात की जाती है, स्तूप क्या होते हैं, स्तूप आपके क्या होते हैं, उसी के अंदर बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्तूप आपके क्या होते हैं, इसके अंदर बातचीत करते हैं, क्योंकि स्तूप मेन आपकी हेडिंग यही रहेगी स्तूप के बारे में। हाँ जी, स्तूप के लेके चलते हैं, हम बातचीत करते हैं। यह एक बड़ा अर्धवर्ताकार गुमबद होता है साथियों। अर्धवर्ताकार वर्त होता है पूरा होता है, लेकिन उसको आधे ही करते हैं तो अर्धवर्ताकार हो जाएगा भाई। इसमें से सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हाँ जी, ये आपको बातचीत करें यहाँ पे, जो अर्धवर्त किस होता साथियों, मतलब यह होता है वर्त साथियों, जब वर्ताकार शेप होती है, किस प्रकार से होती है, वर्ताकार आपकी शेप होती है, यह होगी वर्ताकार। ठीक है, जब आपकी वर्ताकार होती है, किस प्रकार होती है डिजाइन, ये आपकी होती है वर्ताकार, है ना। रेड सर्कल के अंदर दिख रहा है आपको, यह है वर्ताकार। इसकी बात करें, इसका आधा कर दे, क्या कर दे, इसी का क्या कर दे, आधा कर दे भाई, तो जब इसी का आधा कर दे, इसको काट दे, तो बन जाएगी अर्धवर्ताकार। क्या बन जाएगी, अर्धवर्ताकार आपकी बन जाएगी। ओके, हाँ जी, तो ये अर्धवर्ताकार शेप में होते हैं, क्या होते हैं, आपके स्तूप होते हैं। ओके, क्या होते हैं, आपके स्तूप होते हैं अर्धवर्ताकार शेप के अंदर। हाँ, आगे बातचीत करता हूं मैं, और इसमें केंद्रीय प्राकोष्ठ होता है साथियों, और इसी में बुद्धि अथवा भिक्षुओं को अवशेष एक छोटी सी संदूक में रखे जाते हैं साथियों। इसी के अंदर साथियों बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनको छोटे संदूक के अंदर रखते हैं भी। ठीक है, और बात करें साथियों, इसका आधार दक्षिणावर्त मार्ग से घिरा होता है, और इसमें लकड़ी की बाड़ होती है साथियों, चारों लकड़ी की बाड़ होती है साथियों, और बाद में यह पत्थर की होने में लग गई थी, और बाद में इसकी बन गई पत्थर की, और इस काल में मुख्य स्तूप सांची व बरहूत के थे साथियों। सबसे मुख्य स्तूप साथियों सांची के थे, और बरहूत के सबसे विशेष आपके स्तूप थे साथियों। फेमस स्तूप आपके दो ही है, सांची के स्तूप, सांची का स्तूप अभी भी आपके स्वरूपियों में है, और बरहूत का स्वरूप आपका स्तूप वो भी अभी जानकारी के अंदर है भाई। इसको अशोक ने बनवाया था साथियों। बात करें, प्रश्न आपके इस प्रकार से भी आ सकता है साथियों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। सांची का स्तूप आपके मौर्य उत्तरकालीन में बना था, और इसको आपके महाराजा अशोक ने बनवाया था। अशोक की पूरी फिल्म आपको बताने वाले हैं, तो अब बने रहेगा। बाद में इसका विस्तार अमरावती और नागार्जुन कोडरा में किया गया, और भरहूत का स्तूप ईसा पूर्वी दूसरी शताब्दी में बना था, है ना, ईसा पूर्वी की दूसरी शताब्दी में भरहूत का स्तूप बना था। यह मूर्तिकला के लिए श्रेष्ठ माना गया साथियों। मूर्तिकला सबसे श्रेष्ठ किसकी है साथियों, भरहूत का जो स्तूप है उसी की है अभी। हाँ जी, आगे बात करें, इसकी बाड़ लाल पत्थर की बनी हुई साथियों। बाड़ के मतलब बात करें साथियों बाउंड्री, है ना, बाउंड्री पहले लकड़ी से बनती थी, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। अब बात करें साथियों किस प्रकार से बनती साथियों, ये आपकी बनी है आपके लाल पत्थर से। इस काल में सांची के तीन बड़े स्तूप बने थे, इसमें सबसे बड़ा स्तूप अशोक ने बनाया था। सांची का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, अशोक ने बनाया था। इसका ईसा पूर्वी से दूसरी शताब्दी में दो बार विस्तार हुआ है। आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप दूसरा शताब्दी में बना था। यहाँ पे स्तूप के बारे में जानकारी अपन को आपको दे दिए मैंने। फिर आगे बात करें, हाँ जी, आपको यही याद रखना साथियों, सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, और वो आपके महाराजा अशोक ने बनवाया था। ठीक है,
आगे बात करें तो चट्टान स्थापित्य कला, चट्टान स्थापित्य कला क्या है इसके बारे में बातचीत करते हैं। हाँ जी, चट्टान स्थापित्य कला क्या होती है इसके बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। हाँ जी, चट्टान स्थापित्य कला क्या होती है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक बटन को आप एक बार प्रेस करिएगा, है ना, देखते हैं आपके पास कितनी पावर है अभी तक। हाँ जी, श्रद्धा है अभी, हिम्मत है आपके अंदर लाइक दबाने की, तो एक बार दबा दीजिएगा उसको। चट्टान व स्थापित्य कला क्या होती है, इस काल में चट्टान को काट कर भवन निर्माण या स्थापित कला के क्षेत्र में उन्नति हुई थी साथियों, किसके काल में, मौर्य उत्तर काल के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल 200 के नोट के ऊपर शांति का स्तूप है भाई। हाँ जी, विनीता सोनी सर ए, हाँ जी, बात करें यहाँ पे जो चट्टान व स्थापित क्या होती साथियों, मौर्य कालीन के, मौर्य उत्तर कालीन के समय चट्टान हाउस को काट के, हाँ, चट्टान हाउस को काट के तो भवन निर्माण व स्थापित कला के अंदर उन्नति हुई थी, विकास हुआ था। सातवान कालीन राजाओं ने महाराष्ट्र के पुणे व नासिक के पास, है ना, महाराष्ट्र के पुणे व नासिक के पास ठोस चट्टाने को काट कर अधिक से अधिक संख्या में मंदिरों, भवनों और भिक्षुओं को रहने के लिए आवास दिए जाते हैं। इसके लिए मंदिरों के अंदर, भवनों के अंदर और भिक्षुओं के अंदर, तो आपकी जगह सबसे फेमस आपकी नासिक है ना, नासिक जगह अभी भी बहुत सारे चट्टान आपको मिलते हैं, है ना, बहुत सारे लोग काम करने भी जाते हैं चट्टानों के, है ना, तो नासिक के अंदर बहुत सारे चट्टान पत्थर आपको मिलेंगे, और इनका प्रयोग किसके लिए किया गया साथियों, जो बात करें मंदिर बनाने के लिए चट्टान पत्थर का प्रयोग किया गया, भवनों के लिए मतलब घर बनाने के लिए, और भिक्षुओं में रहने के लिए चट्टान पत्थर का निर्माण किया गया। ठीक है, ऐसे स्थलों पर चैत्य कहते हैं साथियों, ऐसे स्थलों को कहते हैं साथियों चैत्य कहते हैं, जहां बहुत भिक्षु निवास करते हैं उसे चैत्य कहते हैं। अभी परिभाषा में पक्का प्रश्न आएगा साथियों, जहां पर बहुत भिक्षु रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, चैत्य कहते हैं। भाई एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा साथियों, जहां पर भिक्षुओं के निवास के लिए विहार कहते हैं, है ना, ऐसे स्थानों को चैत्य कहते थे, जबकि भिक्षुओं में निवास को कहते हैं विहार कहते हैं भाई। ठीक है, मंदिर भवन में रहने के वाले आवास थे और ग्रहों का निर्माण किया, इन घरों को ऐसे स्थान कहते हैं चैत्य कहते हैं, जहां पर मंदिर है, भवन है, भिक्षु है ना, उनके लिए चैत्य कहते हैं। विहार क्या साथियों, आपके जो रहते थे भिक्षु, भिक्षु लोग के निवास स्थान, उसे विहार कहते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, विहार कहते हैं साथियों। हाँ जी सर, ये सभी क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ में दोगे तो पीडीएफ कहाँ पर देंगे, तो विनीता सोनी बता दो आपको ऊपर जो आपकी बात है इसी लाइव के अंदर, इसी लाइव के अंदर एक पिन कमेंट किया गया है, वहां से आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, एक बार कॉमेंट करिएगा, एक बार समझ में आ गया ये क्वेश्चन है। हाँ जी, यस, गोपाल सिंह जुड़े हमारे साथ, यस, इसी के अंदर बातचीत करता हूँ, एक बार थोड़ी बातचीत करता हूँ इसी के अंदर, क्योंकि परिभाषा आपकी बनती है तो आपको भी परेशान करेगी, है ना, उसके अंदर पहले ही बातचीत करते हैं तो अच्छी बात है। तो बात के साथ ही चैत्य क्या होता है साथियों, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ना, ताकि आपको फोकस कम करना पड़े, आपको दूर से ही नजर आ जाए भाई। चैत्य क्या, पहली परिभाषा आपकी है, चैत्य क्या है, विहार क्या साथी, विहार, विहार नहीं, विहार क्या है साथी, पहली आपके चैत्य है, दूसरी आपकी विहार क्या है साथी, चैत्य क्या है, विहार क्या है, यह परिभाषा आपकी बनती है, एक बार इसको अलग से देख लेते हैं, क्योंकि इसी पर्सन से संजू जुड़े, यस सर मेरा भी नाम लो, सूरज अलवर अजमेर से जुड़े हैं, फरमान खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत शानदार, इन्हें चार किस्म है अभी तक। तो बात करते चैत्य क्या होता साथियों, हाँ जी, पूजा स्थलों को चैत्य कहते हैं, पूजा स्थलों को, सीधी बात करें पूजा स्थलों को चैत्य कहते हैं, बौद्ध धर्म के, बौद्ध के, ओनली फॉर बौद्ध की बात करो साथियों, बौद्ध धर्म की बात करें अपन, बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं, बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इतनी बात समझ आ गई ना, तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल होते हैं क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पे पूजा आरती करते हैं उसे क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं, इतनी बात क्लियर है ना। फिर बात करता हूँ आगे, विहार क्या होते हैं, विहार तो पता है आपको, भिक्षुओं की रहने की जगह है भी, बौद्ध भिक्षुओं की
रहने की जगह को विहार कहते हैं, रहने की जगह को विहार कहते हैं, रहने की जगह कहते हैं विहार कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, जितने विहार आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके दो नंबर यहां से पक्के हो जाते हैं। कितने नंबर? दो नंबर पक्के हो जाते हैं। किस प्रकार से? क्यों? जितने आपकी परिभाषा आपको याद हो गई, विहार आपको पता हो गया। अभी ग्रुप में ऐड नहीं हो रही हो, ग्रुप की ट्राई करिए। बिल्कुल हाँ जी, यहाँ पे बातचीत करते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसको, तो ये वो ग्रुप की लिंक रिसेट हो जाती है, फिर अब ऐड नहीं हो पाती उसके अंदर। इसके अंदर आप ऐड हो सकते हो, कोई दिक्कत और बात नहीं है ना। तो नीली लाइन के ऊपर संस्कार अकेडमी सुजानगढ़ है, उसके नीचे जो नीली लाइन है उस पर आप क्लिक करो, बिल्कुल उसके अंदर पेड पीडीएफ मिल जाती है आपको। अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपकी पीडीएफ नहीं आएगी, अगर आप भी ज्वाइन कर लेते हो और बाद में शाम तक है आपको नाइट तक पीडीएफ मिल जाती है। ओके जी हाँ जी। और कई कई बार किसी के पास इंटरनेट ऑफ नहीं होने के कारण उनके पास पहुंच तो नहीं पाती है। अगला बात करें, इसी के अंदर बातचीत करते हैं साथियों, इसके अंदर बातचीत करते हैं। यहाँ मूर्ति कला क्या होगी सर? अपने साथियों यहाँ पे वो तो देख लिया आपका, चित्य विहार वाला पोर्शन आपने देख लिया, अभी चित्य बनते हैं, विहार भी बनते हैं, चट्टान भी स्थापित करते हैं, वो आपने देख लिया अभी। चट्टानों से क्या बनते हैं? चट्टानों से आपकी मूर्ति बनते हैं, घर वगैरह बनते हैं चट्टानों से। तो और महाराष्ट्र पुणे व नासिक के अंदर इन चट्टानों की सबसे ज्यादा डिमांड थी। हाँ जी, अब बातचीत करते हैं मूर्ति कला की। किसके बारे में बातचीत करते हैं साथियों? मूर्ति कला के बारे में बातचीत करते हैं। मूर्ति कला किस प्रकार से थी? किस समय? मौर्य उत्तरकालीन के अंदर। किसके अंदर? मौर्य उत्तरकालीन के अंदर। मैं बता दूं सत्यों, मूर्ति कला के बारे में बता दूं सत्यों, कला की गंधार शैली। कला की पहली बात करें क्या होगी? गंधार शैली इस प्रकार की थी जिसके अंदर रोम और यूनानी व भारतीय शैली का प्रभाव था। सत्यों, रोम यूनानी और भारतीय शैली का प्रभाव था। इसमें मूर्तियों का विषय बौद्ध धर्म में रहा। सत्यों, मूर्ति का विषय क्या रहा? बौद्ध धर्म में, लेकिन शैली यूनानी रही। मूर्ति तो बौद्ध धर्म के टाइप में ही बनी है ना, बौद्ध धर्म के जैसे ही बनी, और लेकिन जो शैली थी कौन सी थी? यूनानी थी। यूनान के लोग जिस प्रकार से बुनती बनाते उसी प्रकार से बनती। संघ व कुषाणों ने इसको संरक्षण प्रदान किया, मतलब इसको ध्यान में रखा, उनको उनको बहुत ही पसंद आई। साथियों, संघ जो कुषाण लोग थे उनको बहुत ही अच्छी लगी भाई। वो बोलते भाई भाई साहब गजब मूर्ति बनाई है इसने, है ना। इसने बौद्ध धर्म के जो लोग थे, जो गांधार शैली थे, उन लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा सराहनीय तारीफ की। उन्होंने बताया कि बहुत शानदार मूर्ति बनाई आपने, इसको अपन नष्ट नहीं होने देंगे, इसको कह रहे हैं संरक्षण करेंगे, सुरक्षित रखेंगे इसको, है ना, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देंगे, हाथ तोड़ देंगे। कांता कुमार जुक्त के हमारे साथ। हाँ जी, इसके अंदर मानव आकृतियों के सूक्ष्म मांसपेशियों को भी दर्शाया गया। साथियों, इस प्रकार बात करें साथियों, मूर्तियां बनाते हैं लोग बहुत सारे, मूर्ति ऐसे बना देते हैं, खड़ी हो जाती है मूर्ति, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, जो मांसपेशी थी साथियों, है ना, यहाँ पे जो सलवटें होती है, माथे अंदर जो लाइनें होती है, उनको भी यहाँ पे दर्शाया अच्छी तरीके से, उनको भी अच्छे तरीके से दर्शाया। तो मूर्ति बहुत ही गजब की थी साथियों, और कुषाण व कनिष्क को बहुत ज्यादा पसंद आई थी साथियों। कुषाण व कनिष्क लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई मूर्ति, कि भाई साहब गजब मूर्ति आपने बनाई है। हाँ जी, एक याद होगी आपकी गांधार शैली, और फिर बात करें कला की अमरावली शैली। कला की अमरावती शैली कौन सी थी साथियों? इसके अंदर बात करें कला की अमरावती शैली, कृष्ण व गोदावरी की निचली घाटी के बीच, कृष्ण व गोदावरी की निचली घाटी के बीच ही आंध्र प्रदेश की अमरावली शैली का विकास होता था। बहुत ही फेमस शैली थी ये, आपको सातवाहन व इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने बताएंगे भी, इन्होंने बहुत ज्यादा इसको पसंद किया। सातवाहन वंश के जो लोग थे इन्होंने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया, है ना, सबसे शक्तिशाली राजा था कनिष्क उसका। तो इस शैली का कला में पांडो खंभों व स्तूपों के अन्य भागों में पाई गई थी। बात करिए साथियों, जो चित्र शैली थी उसकी जो कला करती थी वो, आपकी बात करें पांडो हो गए, खंभ हो गए, और स्तूप के अंदर मतलब बात कही दीवार के ऊपर ये शैलियां बनाई गई थी। हाँ जी, इसका विषय वस्तु महात्मा बुद्ध को जीवन पे आधारित था, है ना। बौद्ध धर्म के जो आपके थे महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने ही की थी, तो उन्हीं पर आधारित ये मूर्ति थी ना, उन्हीं को याद करने के लिए मूर्तियां बनाई गई थी। और इस शैली में मुख्य विशेषण आख्यान कला है, इसके अंदर गोलाकार आभूषण की तरह उन उकेरे गए हैं। तो यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न ये भी बता सकते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? वो आपके कौन है? महात्मा बुद्ध है। कौन है साथियों? महात्मा बुद्ध इसके
है, बौद्ध धर्म के स्थापक संस्थापक आपके वो ना महात्मा बुद्ध है, गजब के पर्सन आपको यहाँ पे लेके आए हैं। तो एक बार इसको आपको पूरा कंप्लीट देखना है वीडियो को, जब आपके 2% एग्जाम के अंदर छपने वाले साथियों छपने वाले क्वेश्चन अभी छपे गए क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पेपर के अंदर। हाँ जी अगला देखो भाई, इस प्रश्न को अगर आपने कमेंट में नहीं किया ना तो मतलब कुछ भी नहीं किया जीवन के अंदर, है ना, क्योंकि कल ये प्रश्न आपको पक्का मिलने वाला भाई साहब। तो एक बार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट में लिखिएगा, प्रश्न का नाम व्यक्ति है उसका भी नाम आप कमेंट में लिखिएगा, फिर तो घुमा के भी आता है भाई साहब, फिर आप बोलोगे गुरु जी ये नाम आया नहीं। हाँ यार बड़ा सा बार क्योंकि बड़ा प्रश्न है और गजब का प्रश्न है, एग्जाम के अंदर डिटो आता है भाई, एग्जाम के अंदर सेम टू सेम आएगा ये प्रश्न आपका बिल्कुल। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, 29-30 बच्चे रहेंगे, सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे एक बार। हाँ जी प्रश्न ये रहा, हरिश्चरित्र की रचना कौन था, हरिश्चरित्र का प्रश्न रचयिता कौन था, हरिश्चरित्र रचयिता कौन था, तो ये आपके उत्तर भाई साहब कौन है, बाण भट्ट भाई साहब, कौन है, बाण भट्ट है भाई, हरिश्चरित्र रचना रचयिता कौन है साथियों, बाण भट्ट भाई, बाण भट्ट है भाई, आलिया भट्ट के परिवार के अंदर ही है बाण भट्ट, तो आप याद कर सकते हो आलिया भट्ट के परिवार के अंदर कौन है, बाणिया भट्ट भाई, बाण भट्ट भाई। तो उन्होंने किसकी रचना की साथियों, हरिश्चरित्र रचना की, हरिश्चरित्र की, ठीक है, हरिश्चरित्र चरित्र की रचना किसने की साथियों, बाण भट्ट ने की, वो भाई साहब ने आर्य आलिया भट्ट के ही परिवार के अंदर है भाई, बाण भट्ट बिल्कुल अंदर है। महेश जी ने सबसे पहले कमेंट किया बाण भट्ट, और यहाँ पे अजमेर आला देवा भी कमेंट कर दिया भाई बाण भट्ट बिल्कुल शानदार, कमेंट में लिखिएगा बाण भट्ट का प्रश्न आप लहरा दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल शानदार बाण भट्ट। हाँ जी अभी तो आपके कमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे, मेरे को नजर नहीं आ रही आपकी कमेंट, आप कमेंट करते रहेगा लगातार। हाँ जी गोपाल सिंह ने बता दिया बिल्कुल बाण भट्ट बिल्कुल शानदार। हाँ जी बाण भट्ट भाई सही उत्तर है आपका, कमेंट में लगातार आप करते रहेगा कमेंट। सूरज ने बता दिया सत्यो बाण भट्ट, महेश जी ने बता दिया बाण भट्ट, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि भाई वैसा बाण भट्ट ने लिखी थी, डिजाइन भी भेजी उसने हमारे लिए। हाँ जी सूरज सिंह सही टाइपिंग नहीं आ रही उनको, एमएम जी जी लिख रहे हैं अभी। हाँ बाण भट्ट है इसके रचना, आप हिंदी में लिखने की कोशिश करें थोड़ा बहुत, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में लिखने की कोशिश करें भाई साहब। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आपका प्रश्न ये भी आपका खास है भाई, खास क्यों साथियों, इसके अंदर एक नाम है भाई, एक खतरनाक नाम है, इसी के कारण ये खास बना है भाई, इसी कारण क्या बना साथियों, फेमस बना है ये क्वेश्चन, एक भाई साहब एक आदमी का नाम उसी के अंदर क्या बना है, फेमस बना है साथियों, प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकता है भाई। नितिन ने NI3 से जुड़ी है साथियों, और ये बोल दिया कि फेल कराने की बातचीत कर रही है यहाँ पे, बता दूं नितिन आपको जितने भी एग्जाम अभी तक बच्चों ने दिए हैं उनमें सारे क्वेश्चन अभी आप पुट अप हुए हैं, है ना, तभी इतने बच्चे क्लास में लाइव के अंदर जुड़े हैं, आप इनको बहकाने की कोशिश ना करें भाई। और टेंथ के अंदर आपने कब कौन सी क्लास ली थी आपके, आपको अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल कभी आपने आए नहीं है, कमेंट भी नहीं किया है, और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप नहीं जुड़े हो। हाँ जी हरिश्चरित्र बिल्कुल शानदार, बाण भट्ट की रचना थी हरिश्चरित्र ने बिल्कुल शानदार। हाँ जी आगे बातचीत करते साथियों, यहाँ पे ये टेंथ का है लेकिन ये ट्वेल्थ की क्लास देख रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, समझ से बाहर है इनके। हाँ जी समझदार लोग ही समझ जाते हैं सारे के अंदर ही बात के साथ, समाज क्या है साथी, समाज क्या है उसके अंदर बात करें, हड़प्पा तो सभ्यता के सामाजिक जीवन कैसा, प्रश्न आपको ये आएगा भाई हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन कैसा था भाई। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था ये प्रश्न आपका आया है भाई, हड़प्पा सभ्यता साथियों आपके बिल्कुल शानदार, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था स्पष्ट करना है आपको, ये आपको बताना साथियों हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे उनका जीवन कैसा था ये आपको बताना है साथियों। बाण भट्ट चांदनी माली ने आप लिखा है भाई, हाँ बता दो उत्तर किस प्रकार से किस प्रकार लिखना है, उत्तर आपका ये रहा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सामाजिक जीवन के निम्न बिंदु से आधारित था साथियों,
बिंदु थे, इनके अंदर बातचीत कर सकते, साथ समाज हो गया, परिवार हो गया, वेशभूषा हो गई, तो इनके अंदर काफी चीजें हैं अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, पहली बात बताऊँ साथियों, इसके अंदर होता है साथी समाज। मैंने कहा साथी समाज किस प्रकार से था साथियों, तो आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका समाज किस प्रकार से था उसके बारे में बातचीत करेंगे। कल एग्जाम के अंदर ये नाम नहीं है तो मेरे को बता देना, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता नाम नहीं है तो मेरे को बता देना भाई, क्योंकि आपने बताया था ये नाम नहीं है यार। तो हड़प्पा सभ्यता लोग प्रश्न आपका आता है बिल्कुल, और ये प्रश्न आपका 8 नंबर का है। कितने नंबर का? 8 नंबर का आ सकता है सीधा डायरेक्ट, और वैसे टुकड़ों के अंदर है तो 4 4 नंबर के 2 आ सकते हैं भाई। हाँ जी, बात करता हूँ यहाँ पे समाज। हड़प्पा के लोगों का समाज कई वर्गों में बंटा हुआ था, जैसे पुजारी हो गया साथियों, योद्धा हो गया। हड़प्पा के जो लोग थे उनका समाज बंटा था साथियों, पुजारी, योद्धा और किसान, व्यापारी और कारीगर के रूप में बंटा हुआ था। किसका? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समाज। ओके, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समाज ये इन भागों में बंटा था साथियों, कारीगर हो गया, पुजारी हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारी हो गया, किसान आदि। पुजारी तो पूजा करते थे हाँ, और योद्धा साथियों तो युद्ध लड़े थे, और वो किसान जो खेती काम करते थे, व्यापारी मतलब जो पैसा पैसा लेन देने का काम करते थे, व्यापारी हो गए, कारीगर मतलब घर सुनने का काम करते थे। इस प्रकार से ये आपके समाज में बंटा हुआ था साथियों। हाँ जी, समाज के अंदर बंटा हुआ था साथियों, हड़प्पा समाज था। इस प्रकार से आदि वर्ग थे। हड़प्पा के लोथल नामक स्थानों पर खुदाई में मकानों के जो ढांचे मिले हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलग अलग वर्गों में व्यक्ति व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मकानों में निवास करते साथियों। खुदाई करने पर जो आपका हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता है, उसके अंदर एक गांव है साथी लोसल, है ना, लोथल, सॉरी लोथल के अंदर अपन खुदाई करते हैं। हड़प्पा के जो जगह है लोथल है, लोथल पे खुदाई करने पर मिलते हैं साथियों अलग अलग प्रकार के घर के ढांचे मिलते हैं हाँ, जिससे अपन को कुछ अलग अलग आइडिया लगते हैं कि भाई इस इन प्रकार के लोग रहते थे। अलग अलग अपन को आइडिया मिलते रहते हैं कि भाई इन अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते थे। हड़प्पा के कठोर नामक स्थान पर है ना, कोठारा नामक स्थान पर स्थान के पास कारीगरों के घर मिले साथियों। लोथल के अंदर बहुत सारे खुदाई करने पर अलग अलग प्रकार के मकानी ढांचे मिले है ना, अलग अलग ढांचे मिले, और यहाँ पे कोठारा नामक स्थान पर खोज करने पर यहाँ पे कारीगरों के घर मिले है ना, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस वर्ग में कारीगर उस समय में उपस्थित थे भी। उस समय में क्या थे? कारीगर भी रहते थे साथियों। उस समय में क्या रहते थे? कारीगर भी रहते थे, क्योंकि खुदाई करने पर पता चला अपने को, क्या कहने पर? खुदाई करने पर अपन को पता चला कि उस समय क्या थे? कारीगर भी थे है ना। कहाँ पे? लोथल पे खुदाई की अपन ने, वहां पे पता चल गया। अभी जल्दी नहीं, आराम से समझाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन दिमाग में भेजे के अंदर सेट करके जाएंगे। हाँ जी, बात करें यहाँ पे इसी प्रकार के लोथल के खुदाई पे तांबे का काम करने वाले कारीगर भी और मोती बनाने वाले कारीगर के कार्यशालाएं प्राप्त हुई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय में धनी लोग बड़े मकान में रहते थे, जबकि मजदूर वर्ग के लोग छोटे मकान में निवास करते थे। सीधी बात है साथियों, ये आपका हो गया साथियों समाज किस प्रकार का था साथियों। तो पायल धाकड़ जुड़ी, हेलो सर जी, वेरी गुड इवनिंग पायल धाकड़ जी। हाँ जी, बात करो साथियों समाज किस प्रकार का साथियों। हड़प्पा सभ्यता थी, उसका समाज किस प्रकार का था? हाँ जी, बीकानेर से कौन कौन स्टूडेंट है भाई? हाँ जी, गोपाल सिंह पुत्र भाई। हड़प्पा सभ्यता का समाज किस प्रकार का था बता दो आपको। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उनको अलग अलग जातियों में कैटेगरी में बांटा गया। पहला हो गया साथियों आपका, बात करें पहला आपका हो गया कि भाई कारीगर हो गया, मजदूर हो गया, व्यापारी हो गया है ना, और योद्धा हो गया और पुजारी हो गया। तो यह 5 है इनके कास्ट थी, और उसी के अंदर बातचीत करते हैं साथियों। जो व्यक्ति जो उसकी कास्ट थी उसी प्रकार का काम करता था। योद्धा सिपाही का काम करता था, पुजारी पूजा का काम करता था, और व्यापारी व्यापार का काम करते थे, किसान किसान का काम करते थे, वो आपके अपने अपने काम करते थे। और उसी के आधार पर साथियों अभी बात करें साथियों, खुदाई करती थी अपने है ना, कहाँ पे? लोथल में। कहाँ पे की साथियों? लोथल के अंदर खुदाई की, तो अपन ने अलग अलग घर देखने को मिले। वहीं पे अपन ने कोठरा के अंदर खुदाई की साथियों, कोठरा नामक स्थान है, वहां पे खुदाई करने पर अपन को घर मिले साथियों कारीगरों के है ना। किसके मिले साथियों? कारीगरों के घर मिले, और उनकी भी डिजाइन अलग अलग थी साथियों है ना। व्यापारियों की भी घर मिले साथियों है ना, जिन्होंने तांबे का कार्य किया, किसी ने अलग अलग प्रकार का कार्य किया, उसके आधार पर अपने बांट दिया कि हाँ भाई ये व्यापारियों का घर है भाई, ठीक है। और बातचीत करते हैं इसी के बारे में आगे। कुछ खुदाई की अपने, कुछ खुदाई की, उसके अंदर उनके घर भी मिले अपन को देखने को मिले, और उसी क्रम में अपन बातचीत करते हैं। जो गरीब लोग थे उनके घर छोटे थे, जो अमीर लोग थे उनके घर बड़े थे, ये भी अपन को देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। कारीगर किसान ये वर्ग गरीबी के अंदर आते थे, और यहाँ पे योद्धा और यहाँ पे पुजारी वो अमीरी के अंदर आते थे, उनके घर थोड़े बड़े मिलते थे, और यहाँ पे हाँ जी उनके घर थोड़े बड़े मिलते थे, और बाकी ये छोटे छोटे घर अपन को मिलते थे। परिवार की बात करते हैं साथियों, परिवार किस प्रकार से था उसके बारे में बातचीत करते हैं आगे। हाँ जी,
अगला अपन परिवार के ही बारे में है साथियों, तो इसको अपन ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, 8 नंबर का। हाँ जी, 8 नंबर का यहाँ से प्रश्न आपका आने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। परिवार क्या था साथियों, परिवार के बारे में कुछ छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, छोटी हो या मोटी हो आपके एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, चैप्टर बहुत है लेकिन नोट्स है हमारे पास, ये नोट्स। परिवार क्या साथी, परिवार के बारे में आपको पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता लोगों का परिवार किस प्रकार का था। हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का परिवार मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, और यह परिवार इस प्रकार का होता था जिसमें माता की प्रधानता होती सकती हो। हड़प्पा के जो लोग थे, बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर माता की ही चलती थी, साथियों माता की चलती थी साथियों, और ये आपका मातृसत्तात्मक परिवार होता था हड़प्पा के लोगों का, इसके अंदर किसी चलती साथियों माता की। बिल्कुल बोले, बहुत अच्छे से समझाते हो भाई, गुड सर जी, बिल्कुल। हाँ जी, बातचीत करते हैं आगे कि भाई परिवार कैसा था हड़प्पा लोगों के साथियों, बातचीत करें, सीधी बातचीत करें, हड़प्पा सभ्यता का लोग था मात्र सत्तात्मक था, जैसे मतलब सत्ता मतलब राज गद्दी, सत्ता मतलब होता राज, और उसी प्रकार से बातचीत करें साथियों, जो आपके हड़प्पा सभ्यता का परिवार था उसके अंदर माता की ही बहुत ज्यादा चलती थी, ठीक है। किस प्रकार का परिवार था साथियों, मात्र सत्तात्मक परिवार था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, ओके जी। हाँ जी, बातचीत करता हूँ आगे। हाँ जी, वेशभूषा साथी, पहनाव, पहनाव का ढंग अपन बात करें, वेशभूषा कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की वेशभूषा, उस समय के लोग जो थे सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे साथियों, है ना, सूती ऊनी बहुत ज्यादा पहनते थे, तो पॉलिस्टर वगैरह वो तो अभी आया है ना, उस समय के जो लोग थे वो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र बहुत ज्यादा पहनते थे, पुरुष धोती पहनते थे, आपको पता साथियों, पुरुष धोती और पगड़ी पहनते थे, और साथ ही अंदर टोंगे जैसा ढीला वस्त्र पहनते थे साथियों, ढीला वस्त्र सभी पहनते थे, पुरुष लोग थे ढीला वस्त्र पहनते थे साथियों, और सूती बातें साथी पगड़ी वगैरह और धोती वगैरह पहनते थे, और ठीक उसी प्रकार से बातचीत करते हैं अपन आगे। स्त्रियां कंधे से एडी तक लंबी वस्त्र पहनती थी, स्त्री तो कंधे से लेके एडी तक बहुत ही लंबा वस्त्र पहनती थी, और वे दुपट्टा दुपट्टा भी रखती थी, आपको पता साथी दुपट्टा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसी टाइप से स्त्रियां भी दुपट्टा रखती थी। और उसी के अंदर बातचीत थी खान पान कैसा था साथियों, वो लोग क्या क्या खाते थे, जिस प्रकार से अपन खाते थे उसी प्रकार से क्या वो खाते थे, है ना, क्या अलग खाते थे साथियों, क्या स्पेशल खाते थे वो, उसी के अंदर बातचीत करते हैं। हड़प्पा के लोग किस प्रकार का खान पान करते थे उसी के अंदर अपन चर्चा करते हैं साथियों। और अभी तक जो बात करें, अगर आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के अंदर कोई आपका प्रिय विद्यार्थी है, प्रिय मित्र है, जिसने अभी तक क्लास के अंदर ज्वाइन नहीं हुआ, तो उसको एक बार शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस क्लास का ज्यादा ज्यादा लाभ उठा सके, ताकि आपको भी फायदा हो, उसने भी उसको भी ऐसा लगे कि भैया इन्होंने मेरे को बताया था और मैं क्लास के अंदर जुड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, तो एक बार इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों से बराबर से, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं, मैं खान पान के बारे में भी चर्चा करता हूँ, विशेष चर्चा करता हूँ। हाँ जी, सभी को बता दूंगा, एक बार शेयर करिएगा। वो भी इस क्लास के अंदर जुड़ पाए, उसी क्रम में चर्चा करता हूं मैं। अशोक ऑफिशियल कमेंट करे, सर जी आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो, आप जो समझाते हो समझ में आ रहा है, और आपका बहुत बहुत आभार, आभार की कोई जरूरत नहीं है, है ना, मेरा क्रम है आपको समझाना, और आपका ये धर्म है कि आपको सभी को शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, है ना, तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक उसी प्रकार से बात करें सर, करे लाइव शेयर, बिल्कुल कर दे भाई, एक बार आप शेयर करोगे ताकि जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ पाए इसके अंदर, ताकि उनको भी लाभ हो सके। और फिर आगे बात करते हैं आगे के बारे में। हाँ जी, एक बार मैंने भी शेयर कर दिया साथियों, अभी फटाफट से सभी बच्चे आ जाएंगे, कर दिया सर जी, बिल्कुल शानदार शेयर कर दिया, आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया, आभार। अभी पता चल जाएगा साथियों, यहाँ पे 23 विद्यार्थी है, कितने हैं साथियों, यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे बता दूं 23 विद्यार्थी है, कितने हैं 23। अब देखते हैं इस प्रसंग में एंड करने के बाद कितने जुड़ते हैं, ठीक है, 23 के बाद कितने जुड़ते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है।
और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो भी एक बार लाइक करिएगा, थम्सअप का निशान आप उसको करिएगा। खान पान किस प्रकार से साथियों, हड़प्पा के जो सभ्यता के लोग थे उनका खान पान किस प्रकार का था, कैसा खाते थे वो, क्या अपनी तरह ही खाते थे या फिर अलग कुछ खाते थे, उसके बारे में बातचीत करते हैं साथियों। हड़प्पा की सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते साथियों। कुछ लोग शाकाहारी थे, कुछ लोग मांसाहारी थे, है ना, कुछ लोग शाकाहारी भी थे, कुछ लोग मांसाहारी भी थे हड़प्पा की सभ्यता के लोग, ठीक है। हाँ जी, और वे चपाती सब्जियां, चपाती में रोटी सब्जी और दूध दही मक्खन आदि शाकाहारी पदार्थ भोजन में लेते थे। और बात करें साथियों मांसाहारी जो लोग थे, मांसाहारी जो भोजन के रूप में मांस होते थे, मछली होती थी और अंडे ग्रहण करते थे, ये आपका भोजन था, खान पान था किसका साथियों, आपके भाई साहब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका, है ना। मैं विदेश से नहीं हूँ, मैं सिटी सुजानगढ़ से हूँ भाई, चूरू जिले के अंदर आते सुजानगढ़ शहर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे वो आपके कह सकते हो यहाँ पे दोनों थे, शाकाहारी थे मांसाहारी भी थे, दोनों थे, है ना, खान पान दोनों प्रकार का ही करते थे। शाकाहारी कहना जो आपका नॉर्मल भोजन करते हैं उसी प्रकार का भोजन करते थे, चपाती हो गई, रोटी हो गई, दही हो गया, मक्खन हो गया, इस प्रकार का भोजन करते थे। और ठीक उसी प्रकार से मांसाहारी लोग थे जो अंडे हो गए, मछली हो गई और मांस खाते थे, तो इस प्रकार का उनका भोजन था भाई, इस प्रकार से उनका भोजन था, इस प्रकार से उनका खान पान था। आगे बात है आभूषण किस प्रकार पहनते थे, आभूषण मतलब पहना हुआ, है ना, तो आभूषण तो भाई साथियों बता दूं आपको सुंदरता बढ़ाते हैं, व्यक्ति की सुंदरता आभूषण से ही बढ़ती है, चाहे गले के अंदर चैन हो चाहे पैर के अंदर पाजेब हो, वो उसी सुंदरता बढ़ाती है, चाहे व्यक्ति हो चाहे स्त्री हो, दोनों आपको पता है आभूषण पहनते ही पहनते हैं, है ना। उसी प्रकार से बात करें हड़प्पा के स्त्री व पुरुष दोनों ही वर्ग आभूषण पहनते थे, हड़प्पा की सभ्यता के लोग थे तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो जाती हूँ, जैसे महिला ही हो चाहे लुगाई हो भी, दोनों ही क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे। और धनी वर्ग के लोग